खामोशिया बेचैनिया ना दानिया। मम्मा डैडी आए। मेरी चिंकी बेटा, कैसी है बेटा तू? मैं बहुत अच्छी मम्मी। डैडी कैसे है तू? एकदम बढ़िया डैडी। पैरी पोना मम्मी जी। जीते रहे जीते रहे। पैरी पोना डैडी। God bless you my son. Okay. थैंक यू। क्या चल रहा है? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है पापा जी, कुछ भी चल रहा है। आते आते ही दिमाग के पीछे पड़ गए, छोड़िए ना। अरे मम्मा डैडी अब आइए ना, ढेर सारी बातें करनी है। वो तो ठीक है पुत्र जी, लेकिन ये कुछ भी होता क्या है? जान बच गई यार। हाय मेरी चिंकी बेटी, कितनी पतली हो गई देखो। ये समधन जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको बड़ी मिलने की पड़ी है समधन जी से। अच्छी लग रही है ना? खुशी हुई समधी जी मुझे आपसे मिलकर, और आपसे भी। जितनी खुशी आपको हो रही है ना मुझसे मिलने के लिए, उतनी खुशी मुझे भी हो रही है आपसे मिलने के लिए। 7 साल बाद मिल रहे ना, वो क्या है ना, दुनिया घूमते घूमते ना समय नहीं मिलता अपनों से मिलने के लिए। हाय रब्बा, आप दुनिया घूमने की बात करती है? जब नंदू के बाबूजी जिंदा थे तो हम तो अंतरिक्ष तक घूम गए। वो आप लोग आने वाले थे ना, तो मैं पार्लर चली गई। अरे पार्लर तो एक बार मैं भी गई थी, अफ्रीका के जंगल में एक आदिवासी ने खोला था। ये चंदू पुत्र, तेरे मम्मी पापा आए हैं, कुछ चाय पानी का पूछा? लाती हूँ मम्मी जी। आप तो भी दुनिया घूमते रहते हो नहीं? हाँ हम तो बस अभी श्रीलंका से आ रहे हैं ना। कल कहीं और जाना होगा? ओ नहीं जी, हम तो कहीं नहीं जा रहे, अब तो हम 1 हफ्ता रुकेंगे। 1 हफ्ते? सबके लिए आइसक्रीम। हाय 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 हाय, इसका कसूर नहीं है बहन जी। चलना भी खुद ही सीखा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो फुर्सत नहीं ना मिली होगी सिखाने की। मैं सब समझती हूँ, आप क्या कहना चाह रही है? आपको क्या लगता है मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया? जी मैंने कहा कुछ कहा, वो तो भाई इसकी हरकतें देखकर लोगों को लगता है। मैं सब समझती हूँ, एक तो मेरी बेटी से काम भी कराते हो, ऊपर से ताने भी मारते हो। मम्मी जी आप ये क्या कह रही है? मैं तो सच ही कह रही हूँ जो सबके सामने है। देखिए आप जो कर रही है ना वो अच्छा नहीं कर रही। बस बहुत हुआ, अब मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के झगड़ों से। मैं देख रही हूँ जब से आप दोनों मिले बस एक दूसरे को टॉन्ट मारने के बहाने ढूंढ रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। मेरी सास मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आप दोनों के बीच का ये झगड़ा है। अगर आपको कुछ सॉल्व करना है ना तो प्लीज ये सॉल्व कीजिए। ओए नहीं 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 बेटा, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है। मैंने देखा है वो तुझे कितना ताना मारती है। तो क्या हुआ मम्मा, वो प्यार भी तो कितना करती है। आपको पता है जब मेरी तबीयत खराब होती है ना तो सबसे पहले वो आती है मेरे पास, रात भर जागती है वो मेरे लिए। माना कि हमारे बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक है पर वो मेरी सास है, मुझसे बड़ी है, उनकी बात का क्या बुरा मानना। हम कल ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, तो खुश है ना इस घर में? बस मेरा बच्चा। कोई अमेरिका नहीं जाएगा। आओ मम्मी जी। अच्छा जी, तो अब आपको हमारे अमेरिका जाने से भी प्रॉब्लम है क्यों? नहीं नहीं, मुझे आपके अमेरिका जाने से नहीं, इस घर से जाने से प्रॉब्लम है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपकी बेटी का घर, आप एक ही दिन में रह के चले जाएंगे तो उसे कैसा लगेगा? ये बात। हाय रब्बा, आपने ये भी नहीं सोचा कि इतने दिन के बाद आपकी बच्ची आपसे मिल रही है तो उसे कैसा लगेगा? मम्मी जी आप, मुझे बात करने दे। समधी जी, समधन जी मुझे माफ कर दीजिए। आहा आहा।
मेरी गलतियों की सजा आप अपनी बच्ची को मत दीजिए। रुक जाइए ना प्लीज। समदन जी देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना आपको बहुत बुरा भला बोला। नहीं नहीं, उकसाया तो मैंने ही था, लेकिन मैंने भी तो कसर नहीं छोड़ी। ऐसा मत कहिए बहन जी। बस भी कीजिए ना, कंप्लेन खेलना बंद कीजिए ना। चलिए इसी बात में गले लगते हैं। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, खामोशियां